नीरज अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वैसे तो नीरज के पास बाप दादाओं की कमाई हुई काफी धन दौलत थी, लेकिन वो अपनी सीधी साधी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे अपने दम पर कुछ बड़ा करना था। उसके भाई भी उससे कहीं ज्यादा कामयाब थे और नौकरियां भी अच्छी थी उनकी। नीरज भी अपने छोटे भाइयों की तरह लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता था। पैसे कमाने के लिए वो हर बार अलग अलग नुस्खे अपनाता था, लेकिन हर बार नाकाम होकर निराश हो जाता था। नीरज अपनी किस्मत से थक हार के अपने दोस्त की सलाह मानकर एक अघोरी के पास अपनी समस्या का हल खोजने के लिए निकल पड़ता है। रात के करीब 12 बजे नीरज उस अघोरी के पास पहुंच गया। जंगल इतना घना था कि दूर दूर तक आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सिवाय एक पुराने श्मशान घाट के जो कि रोड के उस पार नजर आ रहा था। वहां पहुंचने पर देखा, राख में नहाया हुआ एक अघोरी हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते अघोरी बाबा ने नीरज को बैठने का इशारा किया। अघोरी आंखें बंद करके किसी का आवाहन कर रहा था। तभी एक साया धीरे धीरे नीरज के इर्द गिर्द घूमने लगा। कुछ देर बाद वो साया एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। उसकी आंखें और खूबसूरत लंबे बाल मदहोश करने वाले थे। ये कर्ण पिशाचनी अब से तेरी होकर रहेगी। तेरी कामयाबी का रास्ता ये है, ये तुझे राह दिखाएगी। ये स्त्री तेरे कान में लोगों के राज बताएगी, कब क्या हुआ और क्या होने वाला है ये सब जानती है। अब तू इसके द्वारा लोगों का भविष्य जान सकता है। लोगों का भविष्य बताकर तू माला माल हो जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां तेरे पास खुद चलकर आएंगी। पर ध्यान रहे, इन शक्तियों का कभी गलत उपयोग नहीं करना, कभी भी ज्यादा लालच मत करना। और एक बात, जो तीन वचन पिशाचनी तुझसे मांगेगी वो ईमानदारी से निभाने होंगे, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जी बाबा। उसके बाद अघोरी ने मंत्र बोलते हुए दोनों के माथे पर एक तिलक लगाया। ये रक्त से भरा कटोरा अपने हाथ से पिशाचनी को पिला दो। नीरज ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, पिशाचनी ने नीरज से कहा, रुको, पहले तुम्हें मुझे तीन वचन देने होंगे, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो तुमसे तुम्हारी सारी दौलत छीन ली जाएगी, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं वचन देता हूं। दूसरी बात, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूं तब। मैं वचन देता हूं। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नीरज ने कर्ण पिशाचनी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और फिर दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। अब मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। बड़े बड़े सपने देखने वाला नीरज अपने दोस्त की कही बातों में आकर पिशाचनी को बुलाने में सफल तो हो चुका था, लेकिन आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला था उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। साधना पूरी समाप्त होने के बाद नीरज घर के लिए निकल गया, साथ ही पिशाचनी भी उसके साथ चलने लगी। तभी पिशाचनी ने नीरज के कान में कुछ बातें कही। सड़क पर सावधानी से चलना, तुम्हारी हानि में ही तुम्हारा लाभ छिपा है। पिशाचनी के इतना कहते ही रास्ते पर उसे एक कार ने टक्कर मार दी और नीरज घिसटता हुआ दूर जाकर गिरा। कार की स्पीड कम होने की वजह से ज्यादा चोट नहीं लगी थी उसे। कुछ देर बाद आग खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसने पिशाचनी को देखते हुए कहा, मैं यहां कैसे पहुंचा? तुमने मुझे एक्सीडेंट से बचाया क्यों नहीं? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। जिस अमीर आदमी की कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ये पैसों से भरा बैग उसी ने दिया है। नीरज ने बैग खोला तो उसमें ढेर सारा पैसा दिखाई दिया और साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कुछ पैसे तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे बेड पर रख दिए हैं,
अपना इलाज अच्छे से करवा लेना। नीरज ढेर सारा पैसा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इतना सारा पैसा, ये तो कमाल हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हें और पैसा देखना बाकी है। इसका मतलब मैं अब अपने खानदान में सबसे अमीर बन जाऊंगा, क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ मुमकिन है, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करते जाओ। मैं तुम्हें इस अस्पताल के सारे राज बताऊंगी, तुम जाकर उनसे पैसों की डिमांड करना। पिशाचनी ने नीरज को अस्पताल में होने वाले गैर कानूनी कामों के बारे में बताया, जिसके बाद नीरज ने वहां के डॉक्टर्स के सामने सारे राज खोल दिए। डॉक्टर्स ने मामला रफा दफा करने के लिए नीरज को पूरे 3 करोड़ रुपए दिए। दरअसल उस अस्पताल में इंसानों के ऑर्गन्स की तस्करी की जाती थी। पकड़े जाने के डर से उन्होंने नीरज को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए। इस तरह नीरज कुछ ही घंटों में खूब पैसे कमा चुका था। उसके बाद रात के करीब 2:30 बजे नीरज अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो बिना खाए पिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तुम तो सचमुच बहुत कमाल की चीज हो, इतना सारा पैसा वो भी एक दिन में, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो बस शुरुआत है, इससे कई ज्यादा धन दौलत मैं तुम्हें दूंगी, बस अपना वचन याद रखना। हाँ मैं याद रखूंगा। नीरज पिशाचनी से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है। अरे आप कब आए और इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी पिशाचनी ने नीरज के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अपने काम से मतलब रख, तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, चल जाओ अब। नीरज का बर्ताव देखकर सुनीता रोते हुए अपने कमरे में चली गई और नीरज दूसरे कमरे में सोने चला गया। अगले कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। नीरज रोज रात को घर पे देरी से लौटता और बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता था। एक रात करीब 2 बजे सुनीता ने हिम्मत जुटाकर नीरज के कमरे में झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि नीरज बड़े आराम से एक औरत की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। उस औरत के लंबे लंबे बाल और खौफनाक चेहरा देखकर सुनीता वापस अपने कमरे में दुबक के सो गई। अगली सुबह जब नीरज की आंख खुली तो शहर से उसे एक कॉल आया था। फोन पर खबर मिली कि उसके दोनों छोटे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई और इंश्योरेंस की तरफ से नीरज को 90 लाख रुपयों का नॉमिनी अमाउंट दिया जाएगा। नीरज ये खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। इतने दिन तक वो अपने भाइयों से चिढ़ता था लेकिन आज उसे उनके न होने का दुख हो रहा था। भगवान, आपने मेरे भाइयों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने खुश भी हो तुम। पूरे 90 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ है तुम्हें और उससे भी ज्यादा की जमीन और मकान सब तुम्हारे ही नाम पे है। अब पिशाचनी की बातें सुनकर नीरज का दिमाग अब जाकर सनक सा गया और उसे कर्ण पिशाचनी के बारे में अंदाजा हो गया। नीरज बिना देरी किए अपनी पत्नी के साथ उस अघोरी के पास दोबारा गया। बाबा नहीं चाहिए मुझे धन और दौलत, मुझे इस पिशाचनी से मुक्त करवा दीजिए, अब मैं किसी चीज के लिए लालच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी भाइयों की बुराई पिशाचनी के सामने नहीं करनी चाहिए थी और ना अपनी ईर्ष्या के बारे में उसे कुछ बताना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अघोरी जल्दी जल्दी हवन की तैयारी शुरू करता है और जमीन पर एक गोल घेरा बनाकर दोनों को उसके बीच बैठा कर कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हवन पूरा नहीं होता तुम किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत निकलना। अघोरी के इतना कहते ही पिशाचनी वहां पर आ जाती है और नीरज को चेतावनी देकर कहती है, तूने मेरा वचन तोड़ा है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से नीरज के कानों में चीखने चिल्लाने लगी। नीरज ने अपने कान बंद कर दिए लेकिन उसकी चीखने की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि नीरज के कानों से खून निकलने लगा। च
चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। पिशाचनी अपनी पूरी शक्ति से नीरज को उस घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। मुझे बचा लो बाबा, ये मुझे मार देगी। सुनीता, सुनीता मेरा हाथ मत छोड़ना। आ, 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 मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा, विश्वास रखो। हवन के पूरा होते ही तभी अघोरी बाबा ने भभूति की राख पिशाचनी के ऊपर फूंक दी, जिसके बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सब जगह गूंजने लगी। बेटा, तुम अभी मुक्त हो, लेकिन आगे से याद रखना, लालच और लोभ में आकर ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारे कारण दूसरों को हानि पहुंचे। इतना कहकर अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।